हेलो गाइस, मैं आशीष। मैं आपको आज एक्सेल के थर्ड लेक्चर में वेलकम करता हूं। हमारा जो क्लास का फॉर्मेट है जो रहेगा, मैं फिर रिपीट कर दूं, पहले के 4-5 मिनट हम शॉर्टकट पे बात करेंगे और ये डेली कुछ नए शॉर्टकट्स इसमें ऐड होंगे और कुछ पुराने जो उसको मैं रिवाइज करूंगा, तो आपको हमेशा काम आएंगे क्योंकि भाई डेली रिवीजन से ही आपको याद रहेगा। एक बार में सारी बता दूं तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे ऊपर का मेन्यू बार, जो होम के अंदर मेन्यू बार है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो हमने इसे पहले क्लास में हमने क्लिप बोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट कंप्लीट किया था। आज हम नंबर स्टाइल और सेल पे बात करेंगे। इसका ये दो मिला के 8 से 10 मिनट होने के बाद हम आएंगे एक्चुअल वर्क पे, जो मार्केट में कैसे काम होता है। तो हमने कल के क्लास में देखा था स्कूल में बच्चों की मार्कशीट कैसे बनते हैं, उसमें ग्रेडिंग कैसे होता है, परसेंटेज कितने निकालते हैं, पास फेल, सारे फॉर्मूला लगा के हमने किए थे। आज हम बनाएंगे सेल्स किसी एक एजेंट के। हमने यहाँ पे 20 सॉरी हम आज एक प्रोडक्ट जिसका नाम है बाल्ट्रा रूम हीटर, मैंने रूम हीटर परचेस किया, ठंड ज्यादा हो रही है, तो वही रूम हीटर का क्या बोलते हैं सेल्स के रिगार्डिंग हम प्रॉफिट परसेंटेज एजेंट कमीशन सारे निकालेंगे। तो इसका हम डिटेल बनाएंगे आज। तो मैंने सब कुछ बेसिक डेटा तैयार कर रखा है, हालांकि आपको बताऊंगा क्या चीजें कैसे है। अब स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट से। हमने कल पहला शॉर्टकट देखा था F2। F2 मतलब एडिट करना, मानो किसी सेल में कुछ लिखा होगा, इसमें कुछ लिखते हैं जैसे अपना नाम लिखा मैंने, तो मेरा पुराना पुराना डेटा जो लिखा था वो गायब हो गया। तो अनडू करने के लिए, जो पुराना स्टेज में जाने के लिए हम कंट्रोल जेड करते थे, ये भी याद होगा शॉर्टकट। तो एक F2 होता है एडिट के लिए, मानो इसे मुझे चेंजेस करने हैं, एडिशन करना, तो F2 दबाऊंगा तो सेल एडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा तो इस एडिशन में नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने भी कुछ और भी किया, ये हो गया एडिट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। मानो मैंने यहाँ पे आशीष लिख दिया, मुझे अंडू करना, मैं उसको वापस F2 करके एडिट करके यहाँ से जाके डिलीट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं लास्ट जो इन चेंजेस किए उसको अंडू करना है तो कंट्रोल जेड से वो अंडू कर दूंगा। फिर आता अपना कंट्रोल डी। कंट्रोल डी आपको याद होगा, मैं जैसे इसको डेटा को कॉपी कर लेता, कंट्रोल डी मतलब क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे कॉपी करने कंट्रोल डी, ठीक है। अब इसी डेटा को जस्ट लाइन में कॉपी करता तो सीधे सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, तो ये होता है आपका कंट्रोल डी फंक्शन, मतलब ऊपर के डेटा को नीचे कॉपी करना। आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन वो दो कमांड हो जाते हैं, उसके आप एक कमांड कंट्रोल डी कर सकते हो, और लोग कंट्रोल डी ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल F1, जो ऊपर का रिबन है जो मेन्यू कहते हैं, इसको हाइड ऑन हाइड करने के लिए कंट्रोल F1 प्रेस करते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने आज कीबोर्ड ऑन नहीं किया है, मैं कीबोर्ड लेके आता हूँ, इससे आपको देखने में आसानी होगी मैं क्या बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब आपको मेरे राइट साइड अपर स्क्रीन में कीबोर्ड दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल दाबता हूँ, कंट्रोल, ठीक है, और साथ में F1। अच्छा, इस कीबोर्ड में F1 नहीं आता है, F1 दबाऊंगा तो रिबन ऊपर गायब हो जाएगा, फिर F1 दबाऊंगा तो रिबन वापस आ जाएगा। उस बाद शिफ्ट स्पेस। अब देखो सिलेक्ट किया, आपको याद होगा कंट्रोल है मैंने बताया सिलेक्ट करने के लिए, तो जितने भी डेटा होते हैं किसी भी स्पेस के, यहाँ पे जगह खाली है, स्पेस है, इस स्पेस के अलावा कि अब जो स्पेस खाली उससे पहले जितने भी डेटा साइज सिलेक्ट करें कंट्रोल ए से। लेकिन मानो मुझे सिर्फ रो सिलेक्ट करना है, इसको हम रो कहते हैं, 8-9 ये रो हो गया, हमने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको CD सो कॉलम कहते हैं हम लोग। अब मानो मुझे रो सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, माउस से जाके यहाँ पे क्लिक करूंगा, भाई एक्सेल में माउस नहीं छोड़ जाता है भाई जितना कम माउस का इस्तेमाल करें उतना अच्छा होता है। तो रो सिलेक्ट करने के लिए हम करते हैं शिफ्ट के साथ स्पेस, इससे मेरा रो सिलेक्ट होता है, ठीक है। कॉलम सिलेक्ट करने के लिए करते हैं कंट्रोल के साथ स्पेस। अच्छा,
कंट्रोल के साथ स्पेस, एक्चुअली मैंने कुछ सेल्स को मर्ज कर रखा है इसलिए पूरा हो रहा है, कंट्रोल स्पेस करके कॉलम में सिलेक्ट होता है। एक्चुअली अब दिखाऊं मैं नीचे, तो नीचे मैंने यहाँ पे ये डेटा को मर्ज कर रखा है पर सेल को, इसलिए वो एक दिख वो पूरा कॉलम में पूरा ऐड कर रहा है। तो हमें जब रो को सिलेक्ट करना है कंट्रोल स्पेस करेंगे रो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने कल बताया भी था, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कमांड, ये कमांड में और दो शॉर्टकट में आपको बताऊंगा जब मैं अभी मेन्यू बार की बात करूंगा तब। उसके बाद कंट्रोल एस को याद ये सेव करने के लिए, आप कोई भी काम करो आप कंट्रोल एस दाबने के हैबिट बना लो, इससे क्या होता है कि डेटा सेव होते रहता है, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट शॉर्टकट है ऑल्ट इज इक्वल टू, आपको याद होगा हमने कल क्लास में यहाँ पे टोटल किया था, ये टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू हमने एस यू एम सम करके यहाँ जाके शिफ्ट के साथ ये राइट एरो से पूरा सिलेक्ट करके इंटर करके टोटल किया था मैंने, लेकिन इसके जगह, ठीक है ना, इसके जगह हम चाहे तो पूरा डिलीट किया मैंने, जो सब अपने आप हट गया, ठीक है, इसके जगह परसेंटेज सब हट गया, इसके जगह मैं करूंगा ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू, इससे अपने आप इससे पहले जितने भी लाइन है सब अपने आप सिलेक्ट हो जाता है, फॉर्मूला आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बस यहाँ तक चाहिए, तो ऑल्ट इज इक्वल टू भी सम का है फॉर्मूला, ये मैं आपको बताना चाहता था। कंट्रोल डी मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया तो सारे फॉर्मूले नीचे तक कॉपी हो गए, तो ऑल्ट इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला है। अब आपको आपको ये भी याद होगा, जैसे आपको दिखा दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये बॉक्स के बाहर जा रहा है। अब मानो यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ नेक्स्ट सेल में, जैसे हरी, हरी इज अ बैड बॉय, ठीक है, मानो लिख दिया, तो यहाँ पे ये सेल कट गया, छिप गया आधा आधा सेल, सेल के अंदर आधा मटेरियल छिप गया। तो हम यहाँ डबल क्लिक करते थे कि सेल को फिट कर सके कि पूरा डेटा अंदर आ जाए। तो इसका एक शॉर्टकट और है, मैं कंट्रोल जेड कर दूँ एक बार, अंडू किया मैंने, ठीक है, क्या शॉर्टकट है, ऑल्ट के साथ ओ सी ए, सिंगल सिंगल प्रेस करना, एक बार में नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल ए कर लेंगे, ठीक है, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब पहले ऑल्ट दाबेंगे, फिर ओ दाबेंगे, फिर सी दाबेंगे, फिर ए दाबेंगे, अलग अलग, इससे क्या ऑटोमेटिक सेल फिट हो जाता है। तो ये सेल फिट करने के लिए, फिट डेटा इन सेल, इसके लिए होता है। अभी वो फ्रंट कलर आ रहा है, आपको याद होगा ये कहाँ से होता, ठीक, हमारा होम में ये फ्रंट में ये टेक्स्ट कलर है, इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, ये ब्लैक ही रहना चाहिए। तो ये मेरे कुछ शॉर्टकट्स थे जो अभी हमने बात की है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेन्यू बार के बारे में। देखिए ये भी फिट नहीं है पूरा स्क्रीन पे, इसको मैं फिट करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट ओ सी ए, ये फिट हो गया, ठीक है, डेटा पूरा अंदर आ गया। हमें अब क्या देखना है मेन्यू बार में, पहले नंबर मेन्यू देखना है, होम में ये नंबर वाला रिबन देखना है। अब मानो मैं लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6, ये सब नंबर है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पूछ रहा है क्या चीज है, जेंडर है, नंबर है, करेंसी, करेंसी डालते ही आगे रुपीज का साइन आ जाएगा, ठीक है, करेंसी में भी आपको रुपीज में कोई और लेना है, काउंटिंग आपके रुपीज में आएगा, यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट आपको चाहिए, नंबरिंग, मुझे नंबरिंग नंबर में चाहिए। अब मानो दो डिजिट फुल स्टॉप की बात आ रही है, तीन डिजिट करना, यहाँ से तीन डिजिट कर सकते हैं हम, यहाँ से डिजिट को कम कर सकते हैं। और मानो यहाँ पे मेरा है, सॉरी 5 लाख रुपीज है, अब 5 लाख में पता ही कोमा आता है, तो हम बीच में कोमा लाने की कोमा यहाँ डाल सकते हैं, जिसको परसेंटेज करने के लिए परसेंटेज में क्लिक कर सकते हैं, 500% बन दिख जाएगा जो हमने कल किया था। करेंसी साइन देना हमें, तो कौन सा करेंसी का साइन देना है, वो करेंसी का साइन हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देख लो अभी, बस देखने के लिए है, क्योंकि भाई जब वर्क करेंगे तो इसका हम सारा इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको एक बार याद होगा हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया था, जहाँ बच्चे का मार्क्स 45 से कम आएगा वहां पे हम, वो याद दिला दूं, ये रहा हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे ये किया था, जिस बच्चे का मार्क्स 45 से कम आएगा उसको हम रेड से हाईलाइट कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही अगर अगर लेस हमने इस्तेमाल किया, अगर वैसे अगर ज्यादा हुआ 60 से ऊपर, मानो 60 से ऊपर किसी का मार्क्स ज्यादा आ रहा है तो हम उसको एक्सीलेंट कहेंगे, तो हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही बिटवीन इक्वल हाईलाइट करने का अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें एक आता है डुप्लीकेट वैल्यू। होता क्या है ना कि भाई हम किसी मानो कंपनी में 500 एम्प्लॉई है या 10,000 एम्प्लॉई है, ठीक है, हम एम्प्लॉई का नाम लिख रहे हैं, हम नहीं चाहते कि एम्प्लॉई का नाम दोबारा रिपीट हो जाए,
अगर दोबारा रिपीट हो गया एक्सेल शीट में, ठीक है, या किसी भी चीज में जहाँ पे उसको बेनिफिट दिखा रहे हैं, सैलरी देने वाले का लिस्ट बना रहे, तो दो बार नाम आ गया मतलब दो बार सैलरी चला जाएगा उस बंदे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। तो हम वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अमाउंट चीज डुप्लीकेट हो गया, ठीक है ना, तो हाईलाइट कर देगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है जैसे मैं चलो एक अपना डेटा शीट से अपना कुछ नाम उठा लूँ, अपने कुछ पसंदीदा नाम, कबीर सिंह है, अर्जुन है, हमने कुछ नाम उठा लिया, ये नाम ये डाल दिया मैंने। अब मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो कॉलम सिलेक्ट करके क्या शॉर्टकट बनाया था मैंने, कंट्रोल के साथ स्पेस, कंट्रोल के साथ इस, ओहो, नीचे जुड़ा हुआ है, कोई नहीं, हम शिफ्ट के साथ डाउन एरो से अभी कॉलम सिलेक्ट करते, कुछ सिलेक्टेड से सिलेक्ट करते, अभी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करूंगा यहाँ पे, हाईलाइट करेंगे अगर डुप्लीकेट वैल्यू हुआ तो, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू किस कलर से हाईलाइट करना है मेरे को, मुझे करना है कस्टम, हम कोई और कलर भी चूज कर सकते हैं, कस्टम कलर चूज करेंगे, चलो हम करेंगे कस्टम कलर में, हम करना चाहेंगे इसको चूज येलो कलर से, हालांकि वहां पे नेचुरल आपका और भी कलर होते हैं, लेकिन आज कस्टम इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये कर दिया। लेकिन देखो कोई नाम डुप्लीकेट है नहीं, लेकिन अब देखो मैं ये कॉपी करके यहाँ पे इस नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, ओहो हाईलाइट हो गया ना, क्यों क्यों डुप्लीकेट नाम आ गया, इसलिए। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, हमने कल देखा था जिस बच्चे का मार्क्स 45 से कम उसको हाईलाइट करने का, ठीक है। अब आता है फॉर्मेट टेबल, ये टेबल का फॉर्मेट बनाने के लिए, ठीक है, मानो कोई डेटा है मेरे पास, इसी डेटा को लेता हूँ, कोई और डेटा क्यों, मैं आज डेटा पे काम करने वाले हूँ, ये डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब ये सिंपल सा डेटा है, देखने में नॉर्मल लग रहा है, अब मुझे बॉर्डर बनाना है इसमें, हाईलाइट करना है सब कुछ, तो हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली मैंने ऊपर ग्रीन कलर किया, लेकिन मैं यहाँ पे जाके फॉर्मेट टेबल पे जाके जो ऑलरेडी बना फॉर्मेट है मैं उसे कोई फॉर्मेट उठा के इसको मैं ले सकता हूँ। मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर्मेट ये फॉर्मेट उठा लेता हूँ, ठीक है। अब ये रेंज बता रहा है कि A39 इस सेल से लेके L59 कौन सा सेल है, ये है एल, कॉलम एल का रो 59 सेल तक का, ये पूरा सिलेक्ट करने पर इंटर किया मैंने, देखो बन गया फॉर्मेट टेबल, टेबल में बनाना जोड़ नहीं पड़ा, हम यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं होम से, तो फॉर्मेट टेबल है। अब सेल डिजाइन, मानो किसी सेल को मुझे अलग डिजाइन करना है, भाई ये सब काम सेल डिजाइन की बात कर, सेल डिजाइन की बात भी कर लेते हैं सर, ये हेडिंग है, अब हेडिंग नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन हेडिंग को हाईलाइट करना अच्छा दिखाना है तो मैं इसका अलग दे सकता हूँ, देखो सेल्स बार अल्ट्रा, ये मैं इसको हेडिंग को भी अलग अलग डिजाइन डाल सकता हूँ मैं, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो हेडिंग को मैं ऐसा हाईलाइट कर दिया मैंने। तो ये है आपका स्टाइल फॉर्मेट, आप सेल को हाईलाइट, सेल को बना को चेंज करना है, फॉर्मेटिंग करना, हाईलाइट करना, उसके लिए यहाँ से कर सकते हैं, टेबल को करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने कल बताया भी, आपको एग्जाम्पल भी दिया। अब आता है ये सेल का एक ऑप्शन, ये बहुत काम का है, पहला है इंसर्ट, दूसरा है डिलीट। मानो मुझे इस क्वांटिटी के बाद प्राइस लिखा है, बीच में मुझे एक और लाइन ऐड करना है, मैंने माउस यहाँ पे 25 पे क्लिक किया तो रो सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ पे मैं इंसर्ट सेल कर दूंगा, क्या हुआ इसके ऊपर एक सेल रो पर इंसर्ट हो गया। अगर मैं सिर्फ एक सेल को करता और फिर इंसर्ट करता, इंसर्ट सेल, तो पूछता आपको इंसर्ट करना है तो इसको कहाँ मूव करें, इसको आप नीचे मूव करें, इसको आप राइट मूव करें, या फिर इंटायर रो ही मूव करना है, ठीक है, रो को मूव करना है, तो हम सिर्फ सेल को मूव करना चाहते हैं, तो हम शिफ्ट सेल राइट कर देंगे, तो होगा क्या कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट सेल राइट मूव हो गया और यहाँ पे एक नया सेल बन गया, ठीक है। तो ये होता है, इसका शॉर्टकट बता दूं, शॉर्टकट भी एक बिल्कुल है, आपको याद है शिफ्ट स्पेस से मेरा रो सिलेक्ट होता है और कंट्रोल, अच्छा कीबोर्ड नहीं दिख रहा आपको, मैं कीबोर्ड दिखा देता हूँ, ओके शिफ्ट शिफ्ट के साथ मैंने स्पेस दबा तो रो सिलेक्ट हो गया, ऑफ कंट्रोल शिफ्ट और ये प्लस दबूंगा तो रो ऐड हो जाएगा। अब डिलीट करना है तो जिस रो को डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करो, कैसे, शिफ्ट के साथ स्पेस रो सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट और माइनस, कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल माइनस हो गया, सॉरी कंट्रोल माइनस से रो डिलीट कर दीजिए,
तो वही चीज यहाँ पे भी है। हालांकि आप रो को ऐड डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, ठीक है ना, लेकिन हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं। तो ये शॉर्टकट मैं अब कल फिर रिमाइंड करवाऊंगा, मैं इसका एक नोट बना देता हूँ कल के लिए। तो हमने देख लिया स्टाइल भी, देख लिया सेल भी, देख लिया सेल का फॉर्मेटिंग। ये वही बात हो गई कि सेल का फॉर्मेटिंग कैसे करना है, बड़ा कर में सेल स्टाइल सेट कर रखा है तो फॉर्मेटिंग करना है। एक सेकेंड, तो मैं एक सेल सेलेक्ट कर लिया स्टाइल, जिसको मैं फॉर्मेटिंग करना चाहूँ तो यहाँ पे जाके सेल को क्या, सेल का हाइट बढ़ाना है। अभी इसका 15 हाइट है, 15 इसका नंबरिंग है, मतलब लंबाई चौड़ाई इसकी बात कर रहा है। इस सेल का हाइट मिलाने के लिए है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में से काम नहीं आता, जो बढ़ाना होता है तो सीधे यहाँ पे क्लिक करके से खींच के बढ़ा लेते हैं, इसको कोई इस्तेमाल नहीं करता कि यहाँ जाएंगे फिर क्लिक करेंगे हाइट बढ़ाएंगे, इसका विड्थ बढ़ाएंगे, हम लोग इसको यहीं से लंबाई चौड़ाई यहीं से बढ़ा देते हैं, इसका कोई ऐसा काम है नहीं। फिर भी मेन्यू में दिखा दिया मैंने आपको, तो हमारा आज का कुछ शॉर्टकट कंप्लीट हो गया, जिसे मैं मेन इंपॉर्टेंट है Alt+O+C+A, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कंट्रोल स्पेस शिफ्ट स्पेस याद रखना है रो सिलेक्शन कॉलम सिलेक्शन के लिए, और साथ ही में कंट्रोल शिफ्ट प्लस रो को इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल माइनस रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करने के बाद। अब हम आते हैं अपना मेन काम पे। अब हम आज बनाएंगे डेटा, डेटा यानी डेटा वर्क अपना मेन काम करेंगे। हम आज बनाने वाले हैं सेल्स डेटा। तो मैंने बाल्ट्रा रूम हीटर मैंने परचेस किया है, तो बेसिकली मैं इसी का सेल्स का डेटा बनाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बनाएंगे, हम एजेंट वाइज प्रॉफिट निकालेंगे, कौन सा एजेंट मुझे कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है, ये सारे एजेंट है, नाम है, मैंने पहले ही डेटा बना रखा है, और ये टेबल जो फॉर्मेटिंग है तो अभी आपको सिखाते सिखाते अभी सामने किया है, तो कोई भारी चीज नहीं है, आप भी अपने साथ फॉर्मेटिंग कर सकते टेबल का, कोई भारी भारी चीज नहीं है। अब हम आते हैं, ये हमने क्या सिलेक्ट कर रखा है एक बार आपको रीड करके दिखा दूंगा। हमने पहले ले लिया इम्प्लॉय कोड, हर इम्प्लॉय का अलग इम्प्लॉय कोड होता है, सेम इम्प्लॉय कोड नहीं होता है। दूसरा सेल्स एजेंट, ठीक है, उसका नाम, उस पर क्वांटिटी। अब देखो ये थोड़ा सा व्हाइट में आ रहा है, मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इसका कलरिंग चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ डार्क, नहीं डार्क ब्लू कर लेता हूँ, डार्क ब्लू, अब फिर देखने में आसान है आपके लिए, ठीक है। और शॉर्टकट भी कर सकते थे हम, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट दबो ना, तो पूरा के पूरा ये रो जितना भी लिखा हुआ है सारा एक बार शिफ्ट की जगह रो। उसके बाद मैं ऑल्ट करके एच होम पे जाऊंगा, फिर ये एफ सी लिखा हुआ है ना, तो फॉन्ट कलर, इसको फॉन्ट कहते हैं, फॉन्ट कलर करके फिर यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इस्तेमाल करते हुए आप कीबोर्ड को ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, माउस को कम। तो मैं कह रहा था हर इम्प्लॉय का इम्प्लॉय कोड अलग होता है, ठीक है, जैसे आधार नंबर हर का अलग होता है पहचान के लिए, तो सेम इम्प्लॉय कोड नहीं हो सकता किसी का। तो इसके लिए का मानो 500-600 इम्प्लॉय है, और हमें देखना है कि इम्प्लॉय कोड रिपीट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो मैंने आपको बताया था, क्या था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, बताई देते नीचे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। मैं अपने आप को क्यों गायब कर लिया, अपने आप को भी लेके आ जाता था, मैं भी चेहरा देख लो, मैं भी इतना अच्छा हैंडसम लड़का हूँ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाइट, मैंने यहाँ पे प्लेयर सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने सिलेक्ट किया है, कंट्रोल शिफ्ट दोनों दाब के डाउन एरो मैंने प्रेस किया, तो पूरा डेटा जितना था सारा लाइन में सिलेक्ट हो गया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट द वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब हाँ किससे क्या बोल रहा है, लाइट रेड फिल एंड डार्क रेड टेक्स्ट, मतलब ये कि जो बैकग्राउंड है ये हल्का लाल कलर से हो जाएगा और जो टेक्स्ट है डार्क रेड कलर से हो जाएगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मानो ये 47 है, कंट्रोल डी किया डबल, रिपीट होते ही क्या हुआ, हाईलाइट हो गया, ठीक है ना, इसको डिलीट कर दिया मैंने, नॉर्मल हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा बताता हूँ। अब आपको याद होगा कोई इम्प्लॉय कोड होता है, आप देखते हो या आधार नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, स्टार्टिंग किस होता है, 0 से भी स्टार्टिंग होता है, 088 करके हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, 092 करके स्टार्ट कर सकते हैं, इम्प्लॉय कोड होता है 002,
इनवॉइस नंबर आप लोग देखते हैं कितना इनवॉइस नंबर होता है, 001, 002, 003, लेकिन हम एक्सेल में 001 करें इनवॉइस नंबर या एम्प्लॉय कोड, आगे के सारे जीरो गायब हो गए। अब आगे के सारे जीरो गायब हो गए तो भैया ये तो फिर गलत हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम चार डिजिट पांच डिजिट का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, आप कैसे रहते हो। तो इनवॉइस है 001, ठीक है, एम्प्लॉय कोड है 002, मोबाइल नंबर होता है 00, स्टार्टिंग में 0 डाल के 10 डिजिट मोबाइल नंबर होता है, वो भी कट कर सकते हैं। अब हमें डालना है आगे जीरो, तो हम कैसे डाल सकते हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता, प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सेल सीख लेते लिए बहुत चीज नहीं जानते, बताते हैं कैसे कर सकते हैं। अपना कीबोर्ड दिख रहा है ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं थोड़ा इसको कीबोर्ड पर बड़ा कर दूँ, देखना आसानी होगी। आप ये दिख रहा है कोमा होता है, ये फुल स्टॉप होता है, ठीक है, ये होता है ऊपर एपोस्ट्रोफी, इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं, जो ऊपर आता है, जैसे कि किड्स के ऊपर से एपोस्ट्रोफी आता है, राम्स। तो अगर हम एपोस्ट्रोफी लगा के यहाँ पे, मैं पहले क्या करूँगा, एपोस्ट्रोफी लगा दूंगा यहाँ से, फिर 0001 करूंगा। अब देखो 000 रह गया, नॉर्मली नहीं रहता, एपोस्ट्रोफी का बहुत बड़ा काम है यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखना ये कमांड को, ठीक है। अब मैं आप इम्प्लॉय कोड बनाता हूँ, मैं इम्प्लॉय कोड बनाऊंगा मैं एपोस्ट्रोफी 0084, ठीक है, 0084। अब इसको मैं कंट्रोल डी, डुप्लीकेट हो गया तो हाईलाइट हो गया, तो इम्प्लॉय का सेम इम्प्लॉय कोड नहीं हो सकता। अभी जो मैं सिंपल ड्रैग कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक, एम्प्लॉय कोड हो गया ये यहाँ तक, ओहो वही क्यों हो गया 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, ओके मेरा एम्प्लॉय कोड हो 103, तो मैं एम्प्लॉय कोड आ गया। मालूम मेरा, मैं बहुत नीचे हूँ और यहाँ मेरा 84, 0084 करते ही क्या हो गया, फिर हाईलाइट हो गया, मतलब किसी और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड है ये, या फिर एम्प्लॉय दोबारा रिपीट हो गया, सो दोबारा बेनिफिट ना चला जाए, दोबारा सैलरी ना चला जाए, तो गलत हो जाएगा। बेसिकली मेरा एम्प्लॉय कोड ये 100 है, तो ये एम्प्लॉय कोड की बात होगी। अब फिर हम सेल्स एजेंट का नाम ले लिए, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर ये क्वांटिटी, किस एजेंट ने कितना क्वांटिटी सेल किया है, ठीक है, ये मैंने रैंडमली डाल रखा है यहाँ, डेटा बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई, तो मैं पहले बना रखा है कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। अब MRP, जो ये बाल्ट्रा रूम हीटर है, इसका MRP है 1499, 1499 रुपये का MRP है भाई, 1500 क्यों नहीं करते ये लोग, मतलब 1499, ये तो 1500 रुपये है, लेकिन मार्केट स्ट्रेटेजी है, लोग लगता है 1400 के आसपास का प्राइस है, लेकिन होता है 1500 का है, ये माइंड गेम खेलते हैं, जैसे 1499 1599 करते हैं, तो ये MRP है, लेकिन MRP भी बिकता नहीं है, लोग डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो डच यहाँ पे जो सेल्स एजेंट है, पहला डच है, दूसरा सिया राम है, तीसरा अमन है, बेंजामिन है, सिद्धांत है, दक्षान है, फरहान है, केविन है, तो ऐसे में 20 मेरे ये है क्या बोलते हैं आपके सेल्स एजेंट है। तो इन सेल्स एजेंट ने डिस्काउंट दिया किसी पे, देखो होता क्या है ना, इसने बेचा 2891 रुपये, तो मैं समझा दूं कि मानो पास सामान से बेचा, किसी सामान पे इसने 1 रुपये डिस्काउंट दिया, ठीक है, पास वर्क, इसमें 1 रुपये डिस्काउंट दिया, इसमें 2 रुपये, इसमें 4 रुपये, इसमें भी 2 रुपये, इसमें 1 रुपये, तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 3, 7, 8, 9 और 10, 10 रुपये, 5 भागे 10 कितना, 2, तो एवरेज 2 रुपये एक एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया, तो हमने यहाँ पे एवरेज डिस्काउंट निकाल रखा है, यहाँ पे दिख रहा है एवीजी एवरेज है, तो कुल मिला के एवरेज डिस्काउंट दिया है इन सारे सामानों पे 21.45% का, किसी ने दिया है 25% का, किसी का 19% का, इस सिद्धांत ने भाई 8% का डिस्काउंट दिया, भाई गरीबों को मार लो, ये 24% का, सबसे अच्छा अपना है स्विफ्ट के साथ स्पेस डाल रहा हूँ, रो सिलेक्ट हो गया, एनविट, एनविट ने 24% डिस्काउंट दिया, समझा डिस्काउंट तो भाई एनविट ने दिया, कस्टमर ने भला किया, लेकिन अपना बुरा कर लिया, क्योंकि कमीशन इसको कम मिलेगी इस बेसिस पे। तो अब सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास MRP दिया हुआ है, ठीक है, अब ऊपर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे भी लिखा है MRP और कॉस्ट, और मैंने यहाँ पे भी MRP और कॉस्ट लिखा है, इन दोनों का रीजन बताऊंगा। अब MRP ये था, डिस्काउंट ये है,
तो सेलिंग प्राइस कितना में उसने बेचा, कैसे निकलेगा? हम इस एमआरपी में से ये डिस्काउंट घटाएंगे तब निकल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू फॉर्मूला शुरू करने के लिए इज इक्वल टू दाबेंगे, इज इक्वल टू इस एमआरपी में से माइनस इतना परसेंट किसका, ये परसेंट किसका, ये परसेंट वापस इनटू, यहाँ पे इनटू का साइन होता है हैशटैग। अब दिखा दूँ कौन सा हैशटैग होता है आपको कि सिस्टम में इनटू का साइन होता है आपका शिफ्ट के साथ, ये दिख रहा है ये हैशटैग पर स्टार, ये हैशटैग कहते हैं, ये इनटू का साइन होता है। तो हमारा क्या है, एमआरपी में से घटाओ 21.45% इनटू ये एमआरपी का कितना आ गया 1177.46 रुपये करीब, ठीक है। अब देखिए नीचे अपने आप पूरा फॉर्मूला कॉपी हो गया क्योंकि हमने आप टेबल फॉर्मेट इस्तेमाल किया है। तो टेबल फॉर्मेट में क्या होता है ना, जो आप पहला सेल में सिलेक्ट करते हो अपने आप नीचे में सिलेक्ट हो जाता है, और जब हम टेबल फॉर्मेट सिलेक्ट नहीं करते तो हम क्या करते, कंट्रोल सी करके ऐसे करें कंट्रोल वी कर देते हैं तो नीचे वो अपने आप आ जाता। अब देखो मैं क्या, जब देखो फॉर्मूला है सब कुछ, मैं एक्चुअली टेबल फॉर्मेटिंग हटा रहा हूँ एक्चुअली। देखो यहाँ पे क्या है ना कि टेबल फॉर्मेटिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो एम आर पी ले रहा है, एवरेज डिस्काउंट ले रहा है, एम आर पी ले रहा है, एम आर पी में से एवरेज डिस्काउंट ऑफ एम आर पी घटाने पर सेलिंग प्राइस आ गया। अभी चार डिजिट में आ रहा है, ठीक है, हमें चाहिए दो डिजिट में, तो इसको हम दो डिजिट में कर देंगे या नंबर वाले में। तो इसने बेचा है एक सामान 1177.46 रुपये में एक सामान बेचा है एवरेज, ठीक है। उसका टोटल सेल्स कैसे आएगा, टोटल सेल्स आएगा आपका सेलिंग प्राइस इनटू टोटल क्वांटिटी, क्या बेचा उसने, तो इज इक्वल टू करेंगे सेलिंग प्राइस इनटू, इनटू का अपना है वही हैशटैग तो बताया था आपको, और इसको ऊपर शिफ्ट के साथ हैशटैग और आपका ऑर्डर क्वांटिटी, ये रहा क्वांटिटी, आपका सेल्स अमाउंट आ गया। इसने बेचा है कितने का, अब इसने बेचा, मैं यहाँ से क्लिक कर ड्रैग कर देता हूँ, इसने बेचा है, अब इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, अब मैं पढ़ूंगा वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख, इसको पढ़ना 37 लाख का इसने सेल किया है, इसको ऐसे पढ़ने से अच्छा मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ, तो कोमा इसमें ऐड हो जाएगा कितना सारा पढ़ने के लिए, तो बस कोमा ऐड कर दिया। अब क्या दिख रहा है, ये 34 लाख का है, ये 38 लाख का, 20 लाख का, बस कोमा, ये नंबरिंग में कोमा का ऑप्शन आता है, इसको ऐड करने से कितना अच्छा दिख रहा है, ये 62 लाख का इसने सेल किया है, ये 39 लाख का सेल किया है, ये 34 लाख का सेल के 42 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख, 41 लाख का, ठीक है, ये सेल्स आ गया। तो हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय कोड देखा, हमने यहाँ पे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया कि कोई रिपीटेटिव वो ना निकले, क्या बोलते हैं आपका, एम्प्लॉय कोड ना हो, ठीक है। फिर हमने सेल्स एजेंट का नाम लिया, क्वांटिटी उसका निकाला, इसको तो फिर यहाँ से, फिर उसका एमआरपी दिया 1499 रुपये का था, उसमें डिस्काउंट करने बाद उसने इतना बेचा, हर सेल्स एजेंट ने अलग अलग रेट में बेचा, मैं इसको भी थोड़ा कोमा लगा दूँ, देखने में आसानी होगी, इसका कोमा लगा दिया मैंने, हाँ अब ठीक है। इसने बेचा 1177 रुपये में, ये 1211 में, 1300 में, और 1256 रुपये बेचा इसने सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेल्स निकला, टोटल सेल्स कैसे निकला, सेलिंग प्राइस इंटू टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स निकला 34 लाख, 38 लाख, 20 लाख, 39 लाख। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अब नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर, अब इसके लिए मैं अब एक लाइन ऐड कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ स्पेस करके, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस करके एक लाइन ऐड किया, ठीक है। क्वांटिटी इन वन वन ऑर्डर, एक ऑर्डर में कितना, मतलब एक बार ऑर्डर में कितना क्वांटिटी आप ऑर्डर कर सकते हो, मतलब कहना मतलब ये है कि आप जब ऑर्डर बुक करते हो, भैया मुझे सामान चाहिए, तो एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी बुक हो सकता है, वो होता है उसको ऑर्डर कहते हैं। तो मान लो एक क्वांटिटी, एक ऑर्डर में मैक्सिमम आप 52 बुक कर सकते हो, कितना
52। तो आप इसके लिए, इतना बेचने के लिए इस बंदे ने कितना ऑर्डर किया होगा, कितनी बार ऑर्डर किया होगा, ठीक है। तो आप क्वांटिटी, इसको एक और स्पेस डाल दूं, ठीक है, और कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर करने का कॉस्ट भी लगता है भाई। आप ऑर्डर करोगे वहां पे आपको पैकिंग करेगा, डिलीवरी करेगा, ऑर्डर कॉस्ट भी लगता है कि नहीं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लेते हैं, इसका पर ऑर्डर कॉस्ट हो जाएगा, मान लेते 52 पीस है, तो एक पीस पे 5 का हिसाब से लगा भी ले तो 52 × 5 हो जाएगा, फिर 260 रुपये, 260 रुपये पर ऑर्डर का कॉस्ट मान लेते इसका, ठीक है। अब हम निकालते नंबर ऑफ ऑर्डर। अब भाई एक बात बताओ, चाहो चाहे आप दो आइटम ही मंगाओगे, आपको एक ऑर्डर बुक करना पड़ेगा, है ना, और ऑर्डर का कॉस्ट 260 रुपये फिक्स्ड है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट। हालांकि कंपनी कैसे कैलकुलेट किया, 5 रुपए पीस किया होगा, लेकिन वो 260 रुपए चार्ज लग थी अपने पास। तो मानो 2 पीस भी हमने ऑर्डर किया तो उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, एक ऑर्डर का आएगा। तो इस बंदे ने टोटल ऑर्डर कितना किया होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इजिकल टू, ठीक है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, एक ऑर्डर में 52 क्वांटिटी आता है, ठीक है। इसने कितना ऑर्डर किया ये गलत जा रहा है, कोई नहीं बताता, इसने 55.59 ऑर्डर किया। मतलब 0.59 में ऑर्डर आ सकता है, कभी 0.59 में ऑर्डर नहीं हो सकता। आपको 2 पीस लेना है तो आपको एक ऑर्डर का आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं बोलूं तो 55 55, 55 × 52, मतलब 55 ऑर्डर में 2860 इसने क्वांटिटी मंगवा चुका था, ठीक है, 55 × 260 52, ठीक है, 55 × 52 260 होता है। तो 55 ऑर्डर में इसने 2860 क्वांटिटी मंगवा लिया था, और बाकी के 31 क्वांटिटी के लिए इसने एक और ऑर्डर प्लेस किया होगा, तो टोटल ऑर्डर ऑर्डर इसका 56 होगा, लेकिन 55 पॉइंट कुछ आ रहा था। मैं कंट्रोल जेड कर दूं एक बार, ठीक है ना, 55 पॉइंट कुछ आ रहा था, लेकिन हमें पता है भाई पॉइंट भी नहीं हो सकता, ये 56 ऑर्डर है। 55 ऑर्डर में उसने 2860 क्वांटिटी मंगवा लिया, बाकी के 31 क्वांटिटी के लिए उसने एक और ऑर्डर प्लेस किया, तो ये हो गया मेरा 56 क्वांटिटी। अब इसको 56 करने के लिए क्या मैं इसको मैन्युअली टाइप करूं 56, तो ऐसे मानो 500 600 लाइन होगा, तो हर मैन्युअली टाइप करूंगा, पहले कैलकुलेट कर लूंगा, तो पॉइंट आएगा उसको हटा के ऊपर ऐड कर दूंगा, एक एक ऐड कर दूंगा, ऐसे जिंदगी भर खेलते रह जाऊंगा 500 चीज के लिए, 500 लाइन के 2 घंटे खेलते रह जाऊंगा। अच्छा 13 है इसको 14 कर दो, अच्छा ये इसको छोड़ दो, ये 9 है इसको 1 कर दो, 1 है इसको 2 कर दो, इसमें जिंदगी भर खेलते रह जाऊंगा लिखते लिखते, 500 लाइन हुआ तो कंट्रोल जेड कर दो। तो इसका एक तरीका होता है, आपने राउंड ऑफ सुना होगा, राउंड ऑफ हमने क्या देखा है, हमने राउंड ऑफ देखा है मैथ में, मुझे याद है, अगर 0.5 या 0.5 से ज्यादा हुआ तो हम राउंड ऑफ 1 कर देते, तो 0.5 से कम हुआ तो उसको हम 0 कर लेते, जैसे अगर 4.5 हुआ तो उसको राउंड ऑफ में 5 ले लेंगे, और 4.2 हुआ तो राउंड ऑफ में 4 ही लेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन ये ऑर्डर में तो वैसा होगा नहीं, यहाँ पे हमें पता है कि अगर एक सामान ही मंगवाओ तो एक ऑर्डर, एक नया ऑर्डर बुक हो जाता है, तो इसमें हमेशा चाहे 4 से कम हो या 5 से कम या 5 से ज्यादा हो, हमेशा ऊपर ही राउंड ऑफ होगा क्योंकि ये ऑर्डर है, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला 3 आता है यहाँ पे, राउंड, हमने मैथ में राउंड देखा, नॉर्मल राउंड, तो ये हमें 3 फॉर्मूला आता है, एक आता है राउंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउंड, दूसरा आता है राउंड अप, ठीक है, तीसरा आता है राउंड डाउन। ये राउंड क्या करता है, राउंड वही करता है जो आपने बचपन से पढ़ गया है मैथ में, ये क्या करता है, अगर अगर 5 या उससे ज्यादा हुआ, 0.5 या उससे ज्यादा हुआ तो ऊपर में राउंड ऑफ कर, राउंड कर देगा, या 5 से कम हुआ, 0.5 से कम हुआ तो नीचे में कर देगा। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ तो आपको समझने में आसानी भी होगी, फिर हम वापस इसमें आ जाएंगे। अब मान लेते ये है मेरा 4.2, 4.5, 4.6, तब
आपको याद होगा हम इसको मैथ में राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ इज इक्वल टू आर ओ यू एन डी, राउंड, राउंड करके इस सेल को सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, और इंटर कर दूंगा, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज करो क्या, यू हैव इंटर, ओके, अच्छा 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 ये पूछता है एक्चुअली, मैं बताना भूल गया, हमारा मैथ में क्या होता है ना, पूछता है कितने डिजिट में राउंड करना है, जैसे पैसा में या पॉइंट में, हम चाहते इसमें एक भी पॉइंट ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू आर ओ यू एन डी कॉमा, राउंड के बाद हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें पॉइंट बिल्कुल ना रहे, तो हम पॉइंट के लिए जीरो कर देंगे, ठीक है, और इंटर कर देंगे, तो क्या हुआ, नॉर्मल राउंड में नीचे आ गया, ये 4.5 था तो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, ठीक है, ये नॉर्मल राउंड है। अब राउंड ऑफ करूंगा, राउंड ऑफ जब मैं करता हूँ, ठीक है ना, इसी चीज को कॉमा, मुझे डेसिमल में कुछ नहीं चाहिए, मतलब पॉइंट में कुछ नहीं चाहिए, तो मैं जीरो कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूं, राउंड ऑफ, ये हमेशा ऊपर जाएगा, तो हमें यही फॉर्मूला यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी में लगाना है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डर होगा तो एक नया ऑर्डर हो जाता है, और राउंड डाउन में वही होगा, ये राउंड डाउन में हो जाएगा, राउंड डाउन इसको ले लूं मैं, और मुझे डेसिमल में जीरो चाहिए, मुझे डेसिमल में कुछ नहीं चाहिए, पॉइंट में कुछ चाहिए, तो हमेशा नीचे में राउंड करेगा, तो ये फॉर्मूला होते हैं। मैंने कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया, अब मैंने फॉर्मूला क्या लगाया था कि मेरा टोटल क्वांटिटी है ये, डिलीट कर देंगे, इसका भी बताऊं कहानी के, मेरा टोटल क्वांटिटी है 2891 और मैं एक ऑर्डर में 52 क्वांटिटी मंगवा सकता हूँ, तो टोटल मैं ऑर्डर कर रहा हूँ 55 पॉइंट कुछ का, ठीक है। अब इसके लिए मैं टेबल फॉर्मेटिंग हटा दे रहा हूँ, अपने आप परेशान कर रहा है थोड़ा सा, मैं टेबल फॉर्मेटिंग हटा दे रहा हूँ, हटा देता हूँ आज के लिए, क्लियर नहीं है क्या, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन नहीं आया क्या यहाँ पे, फॉर्मेटेबल, फॉर्मेटेबल, ओए होए, कभी कभी कुछ कुछ चीजें अटक जाती है एक्सेल में, चलो कोई नहीं, हटा बाद में करेंगे। तो हमने देखा कि हमें कुल मिला के यहाँ पे 56 ऑर्डर चाहिए, तो मैं फॉर्मूला लगाएंगे राउंड ऑफ, तो मैंने पहले ही फॉर्मूला लगा रखा है, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको क्या करूँ, इस सारी चीज को एक ब्रैकेट में डाल दूंगा, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दूंगा पूरा को ब्रैकेट में, और इसके आगे लिख दूंगा राउंड, राउंड अब हमें ऊपर में राउंड करना है, ठीक है, और हमें पॉइंट कितना चाहिए, हमें पॉइंट एक भी नहीं चाहिए, जीरो, पॉइंट के बाद हमें एक भी वो डेसिमल नहीं चाहिए, जीरो, ठीक है, इंटर, ओके, डिवाइडेड बाय दिस, एक सेकंड रुकिए, इसमें टेबल फॉर्मेट हटा देता हूँ, ये फॉर्मेटिंग से कुछ इशू हो रहा है, टेबल फॉर्मेटिंग हमेशा लास्ट में करना चाहिए, तो थोड़ा काम हो जाए, और आप लोग न्यू बिगनर अभी बताऊंगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पहले फॉर्मेटिंग हटा रहा हूँ, मैं सिर्फ, अरे यार, मैं इसको मैं कॉपी किया पूरा, ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ वैल्यू पेस्ट करूंगा, पूरा डेटा को डिलीट कर दूंगा ऊपर से, वैसे मैं इसको आपको दिखाए बगैर भी कर सकता हूँ, लेकिन आप देखते रहो कैसे काम होता है, कितना फास्ट फास्ट काम होता है चीजें, डेसिमल चाहिए मेरे को, परसेंटेज दो डेसिमल यहाँ पे, ठीक है, सेलिंग प्राइस मेरा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एमआरपी माइनस एमआरपी का
डिस्काउंट कितना, इतना 21% डिस्काउंट, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी चार डिजिट में आ रहा है, इसको दो डिजिट में करना है, तो यहाँ से मैं दो डिजिट कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला ऐड कर सकता हूँ राउंड का। आपको याद है हमने राउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था अभी, तो इसको पूरा ब्रैकेट में डाल दूंगा, पूरा को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब मैं नॉर्मल राउंड करूंगा, आर ओ यू एन डी राउंड। ठीक है, राउंड के बाद मुझे पॉइंट के बाद दो डेसिमल डेसिमल चाहिए, कॉमा टू डेसिमल, ब्रैकेट क्लोज। अब इंटर, वन सेकेंड, मैं अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इसको कंट्रोल चेक कर। तो मैंने फॉर्मूला निकाला था कि एमआरपी में से एमआरपी के 21.4% का टाइम सेलिंग प्राइस आ गया, तो हम इसको लेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में जाएंगे, इसको नॉर्मल राउंड करेंगे, आर ओ यू एन डी राउंड, फिर यहाँ पे टैप करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इन सब को ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर कॉमा। हमें कितने डिजिट में चाहिए पॉइंट में, यहाँ पे किसी में चार डिजिट आ रहा है पॉइंट में, किसी में तीन आ रहा है, किसी में दो आ रहा है, किसी में पांच छह आ रहा है, मुझे दो चाहिए सिर्फ, तो टू करके फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दूंगा। अच्छा, ये परेशान कर रहा है, ठीक है ना, इसका ऐसे ही परेशानी है, इसको पता नहीं क्यों ये फॉर्मूला ही परेशान में ले रहा है। टू, एक और ब्रैकेट में खोलना बंद कर दिया, भूल गया, सॉरी, अब ठीक है। ठीक है, तो मैंने दो ब्रैकेट लिया, पहला ब्रैकेट राउंड के लिए, दूसरा ब्रैकेट सम के लिए। अब ये क्या दो डिजिट में आ गया, अब इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन कर दूंगा, सारे फिगर डबल डिजिट में आ गए। ये डबल डिजिट में क्यों नहीं आया, सेकंड कंट्रोल डी एफ, सब सही है। राउंड हटा के देखता हूं, इसमें राउंड हटा के देखते नॉर्मल कितना था, ये नॉर्मल भी अच्छा 0.00, इसलिए कंट्रोल जेड। ठीक है, इसे दो डिजिट में करने, दो डबल जीरो आ रहा था, ठीक है, इसलिए ऐसा रहा, दो डिजिट में हो गया। टोटल सेल्स के लिए हमने क्या किया था, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये हो गया सेल्स का फिगर, ये भी दो डिजिट में आ रहा है, बहुत सही है। इसको मैं कोमा लगा दूंगा, इससे क्या हो गया, मुझे साफ दिख रहा है कि 33 लाख 37 लाख टोटल सेल्स का है। ठीक है, फिर हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात, ऑर्डर की बात कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, इसमें मैं बात हुआ था कि अगर एक भी एक्स्ट्रा ऑर्डर होगा तो नया आपका क्वांटिटी का आएगा, एक नया मतलब एक भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी होगा एक नया ऑर्डर आएगा, तो हमेशा ये ऊपर ही राउंड ऑफ होता है, तो मैं इसको प्ले करूंगा इज इक्वल टू राउंड, मैं पूरा कर रहा हूँ राउंड ऑफ, मतलब राउंड ऑफ कर देंगे, अब जितने भी होगा सब राउंड ऑफ में जाएगा। अब क्या करना है, टोटल क्वांटिटी मेरा है 2891, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मेरा एक ऑर्डर में 52 क्वांटिटी आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दो ब्रैकेट ब्रैकेट खोलूंगा, हमेशा राउंड ऑफ में दो ब्रैकेट खोलना चाहिए, फिर एक ब्रैकेट बंद करूंगा। अब यहाँ कोमा करके मुझे डिजिट क्या चाहिए, जीरो, मतलब पॉइंट में एक भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ पूरा प्रॉपर नंबर चाहिए, मैं ब्रैकेट क्लोज के इंटर कर दूंगा, 56 आ गया, वो याद है 55 पॉइंट कुछ आया था। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके कंट्रोल डी करूँ, अब दिख रहा है कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, क्या गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, कुछ आइडिया आपको बताऊ, अब तक मैंने ये बात जाहिर नहीं की थी, अब जग जाहिर करता हूँ। देखो, जब हम किसी फॉर्मूला को नीचे डाउन करते हैं ना, ऑटोमेटिक ये सेल भी अपने आप नीचे मूव होते चला जाता है, दिख रहा है ना, जैसे जैसे मैं नीचे फॉर्मूला को नीचे आता हूँ, पेश करता हूँ, तो सेल अपने आप नीचे चला जाता है ना, वही काम यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, हमने पहले क्या किया, एक ऑर्डर 52 सेल, एक ऑर्डर 52 क्वांटिटी आता है, ठीक है, तो फिर ये भी मूव होते जा रहा है, लेकिन हमें नहीं, हमें 52 फिक्स करना है। अब फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, फिक्स करने के लिए हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं। अब बता तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं ये है सेल C38, मुझे C38 को फिक्स करना है, तो मैं 38 के आगे भी डॉलर लगाऊंगा, C के आगे भी डॉलर लगाऊंगा,
तो मेरा अब ये सेल फिक्स हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल डी करूं यहाँ पे, अब देखो दिखाता हूं क्या हुआ। पहला क्या दिख रहा है कि इस क्वांटिटी मतलब C42 डिवाइडेड बाय C38, ठीक है। सेकेंड में जाओ, देखो ये नीचे मूव हो गया, लेकिन ये वाला ऊपर को ऊपर ही रहा। इसका देख ये भी नीचे मूव हो रहा है, मतलब क्वांटिटी वाला लाइन है वो नीचे मूव हो रहा है, लेकिन जो एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी वो फिक्स हो गया। हमने फिक्स करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो हमने कॉलम जो है 38 नंबर रो है, हम रो फ्रीज करने के लिए डॉलर इस्तेमाल किए, हम कॉलम फ्रीज करने के लिए भी सी के आगे डॉलर इस्तेमाल किए, हम चाहे तो किसी एक को भी फ्रीज कर सकते हैं। तो ये होता है फ्रीजिंग कंसेप्ट। अब कमीशन एजेंट, एजेंट कमीशन होकर बात करते हैं। मान लो एजेंट कमीशन है 1% ऑफ सेल, मतलब जितना भी सेल करेगा एजेंट उसका हम उसको कमीशन देंगे 1% का। अरे यार 1% का क्या हो रहा है? F2 किया मैंने, डिलीट किया, LE लिखा, ठीक तो है। 1% हमें सेल कमीशन देना है एजेंट को। अच्छा तो हम क्या करेंगे, इजिकल टू करेंगे मैं सेल से 34 लाख का, 34 लाख इंटू कर देंगे 1 और फिर परसेंटेज का साइन देंगे, ठीक है। इंटर करेंगे, इसको मिलेगा 34,000 सेल का, 34,000 से कमीशन मिलेगा। देखो 34 लाख का 1% 34,000 होता है, ठीक है ना। और ये हो गया मेरा कंट्रोल डी, तो हर एजेंट को अलग अलग कमीशन मिल रहा है, ठीक है। इसमें बड़ा सिंपल था, कोई बड़ी चीज नहीं इसमें। अब ऑर्डर कॉस्ट की बात करते हैं। हमने क्या देखा, एक ऑर्डर का कॉस्ट 260 रुपीज, इसने 56 ऑर्डर किया, 66 ऑर्डर किया, इसका कॉस्ट क्या होगा? तो अब हम भाई नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डर कॉस्ट करेंगे, लेकिन जब हम फिर फॉर्मूला को नीचे पेस्ट करेंगे ना, तो ये भी सेल नीचे मूव होते रहेगा, फिर हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स कैसे करेंगे, डॉलर से फिक्स करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डर कॉस्ट, ठीक है। इंटर किया मैंने, अब कंट्रोल डी किया, ओहो ये तो नीचे मूव हो गया, लेकिन हम फिक्स करना फिक्स नहीं किए। तो फिक्स करने लिए क्या था अपना, हमारा था फिक्स करने के लिए यहाँ डॉलर लगाओ और यहाँ डॉलर डॉलर का साइन लगाओ। अब क्या हुआ, फिक्स हो गया। कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल डी किया, देखो फिक्स हो रहा है ना, नीचे मूव हो रहा है वाला लाइन, लेकिन आपका कॉस्ट पर ऑर्डर वाला है ये फिक्स हो गया है। अब मैं इसका एक शॉर्टकट और बताता हूँ, क्या आप इसको इजिकल टू करोगे और नंबर ऑफ ऑर्डर पे सेल पे ले जाओगे, फिर इनटू असाइन करोगे, फिर उस सेल को ले जाओगे जिस सेल को सेलेक्ट करना है। अब इस सेल फ्रीज करना है, अब यहाँ पे F4 दाबो, ऑटोमेटिक डॉलर का साइन यहाँ पे आ जाएगा, या F4 दाबते ही डॉलर का साइन आ जाएगा, तो फ्रीज हो गया। अब ये समझ में नहीं आया तो आप जो मैंने मैनुअल बताया, मैनुअल आप डॉलर ऐड करो, ठीक है ना, लेकिन एक करके देखो। अब इसका ऑर्डर कॉस्ट कितना है भाई, तो फुल अमाउंट में आएगा, लेकिन मैं इसको कॉमा लगाना चाहूंगा यहाँ पे, और इसको मैं 2 डिजिट आ गया, ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट हो गया। अब प्रॉफिट निकालना है, पर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कहा गया मेरा कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट यूनिट, ठीक है, ये हो गया MRP पर यूनिट, ठीक है ना। तो मैं एक रो ऐड करो, शिफ्ट स्पेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो हमारा क्या होगा, हम टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट इनटू आपका क्वांटिटी, लेकिन उनका यहाँ पे एक शॉर्टकट लगा लेंगे, हम दोबारा कॉस्ट के लिए पे लाइन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सेल्स का इसलिए निकाले क्योंकि कमीशन निकालता, लेकिन कॉस्ट से हमें मतलब नहीं है भाई, कॉस्ट कौन निकालेगा भाई इतना मेहनत, 2 लाइन फालतू में ऐड करके यहाँ पे सीट का डेटा बढ़ाना नहीं चाहूंगा मैं, शॉर्टकट लगाऊंगा, क्या लिखा लूंगा, निकालूंगा प्रॉफिट, प्रॉफिट पर यूनिट, नहीं ठीक है, ओके। अब मुझे कॉस्ट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे,
अब ध्यान दो, इज इक्वल टू, मेरा सेल्स पर यूनिट इज इक्वल टू करूंगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट, मैं सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना है, 11,177 रुपीज पॉइंट 46 पैसा, माइनस, देखो हमें इस सेल को है, इस सेल को हमें नीचे भी बिल्कुल मूव करना है, लेकिन हमें कॉस्ट को वाले सेल को मूव नहीं करना था। यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे डॉलर साइन ऐड कर दूंगा, शॉर्टकट F4, ठीक है, मैं ये डॉलर फिक्स हो गया, तो ये मेरा हो गया प्रॉफिट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू कर दूंगा, इंटू करके मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी, ठीक है, मैं क्या हो गया, टोटल टोटल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसमें से मैनेज करूंगा, क्या मैनेज करूंगा, जो एजेंट और कमीशन गया है पहला, साथ में जो ऑर्डर का कॉस्ट वो माइनस कर दूंगा, एजेंट और कमीशन माइनस किया, सेट किया, माइनस ऑर्डर का कॉस्ट माइनस किया, ये आ गया प्रॉफिट। अब देखिए छोटा आ रहा है, मतलब ये वो क्या रहा है ना कि ये सेल में फिक्स नहीं हो रहा। फिक्स कैसे करेंगे, ऑल्ट ओ सी ए, या फिर हम यहाँ पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट मेरा हुआ है 8 लाख, इस एजेंट से डक्स के द्वारा मुझे प्रॉफिट मिला है 8,40,266 रुपए और 49 पैसे का प्रॉफिट मुझे डक्स ने दिया है। मैं फिर से फॉर्मूला दिखा दूं, मैंने क्या कि इजिकल टू किया, मैंने लिया इसका जिसने सेल्स किया है 1199 में, एक मिनट, इजिकल टू पे ब्रैकेट लगा दूं, इसने सेल किया 1199 में, माइनस कॉस्ट मेरा है 870, लेकिन मुझे सेल को फिक्स करना है तो मैंने डॉलर साइन लगा दिया F4 से, फिर ब्रैकेट क्लोज किया और फिर इनटू किया मैंने नंबर ऑफ क्वांटिटी से, मैं टोटल प्रॉफिट आ गया। अब इसे माइनस करूंगा मैं एजेंट का कमीशन, और माइनस करूंगा इस ऑर्डर का कॉस्ट जो कंपनी को लगा, ठीक है, इंटर करूंगा, ये प्रॉफिट आ गया, इसने 7 लाख का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल डी कर दिया मैंने, ठीक है, पूरा प्रॉफिट नीचे तक आ गया, इसको ऑल्ट ओ सी ए किया, ये सेल पूरा फिक्स हो गया। अब देखो प्रॉफिट 8 लाख 7 लाख 5 लाख 10 लाख सब ने, तो कंपनी को टोटल प्रॉफिट कितना हो, टोटल यहाँ पे निकाल देता हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ टोटल का, TOTAL टोटल। आपको याद हो मैं टोटल फॉर्मूला क्या बताया था, मैं रिबन हाइड कर देता हूँ ऊपर का, अब टोटल फॉर्मूला याद होगा, मैंने बताया था ऑल्ट इज इक्वल टू सम के लिए, तो टोटल सेल्स जिसका हुआ है 8 करोड़ 98 लैक्स का, ठीक है, कमीशन का एजेंट गया है 8,98,000 रुपीज का अप्रोक्स। प्रॉफिट कितना हुआ है, ऑल इज इक्वल टू 2 करोड़ 65 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट परसेंट क्या है, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल, प्रॉफिट परसेंट हमारा हमेशा एमआरपी पे निकलता है, ये तो भाई डिस्काउंट के बाद का सेल्स प्राइस है ना, इस समय मतलब नहीं है, मतलब है इस पे प्रॉफिट निकाल, इस पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कि सबका सेलिंग प्राइस अलग है तो इस पे तो प्रॉफिट निकाल लेंगे तो भाई कंपेयर करना मुश्किल होगा, कंपेयर करने के लिए इससे प्रॉफिट निकालने कौन सा मुझे ज्यादा कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रॉफिट आया है डिवाइडेड बाय ब्रैकेट कर लेंगे और अपना एमआरपी, ठीक है, इनटू क्वांटिटी, टोटल मेरा आपका आ गया ये, टोटल मेरा सेल्स होना चाहिए था इतना, तो इस टोटल सेल्स पे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो या सेलिंग प्राइस पे भी निकाल सकते हो, क्योंकि आज एमआरपी पे देखेंगे, एमआरपी पे कंपेयर करेंगे, इससे हमें देखना आसानी होगी, ठीक है। होम पे जाके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके 2 डिजिट में लेके आऊंगा, ये मुझे 19% मतलब एमआरपी पे 19% प्रॉफिट कमा के दे रहा है ये एजेंट, क्या नाम है, दक्ष ने, ठीक है। और बात करें इसका अपना बकाया पर, दो मैं आपको डाटा दिख नहीं रहा होगा, और मैं बाकी का बात करूं यहाँ पे तो कंट्रोल सी कंट्रोल डी, इसने प्रॉफिट कमाया है, इसने दिया है 15% 21%,
देखो, हालांकि इसका प्रॉफिट वैसे तो कम है, कम है मतलब इस 8 लाख से प्रॉफिट कम है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट क्या 21% है। मतलब ये है कि ये बंदा सामान कम बेच रहा है मार्केट में, लेकिन सामान पे ज्यादा कमा के दे रहा है। ये बंदा सामान ज्यादा बेच रहा है लेकिन कम मार्ज प्रॉफिट बेच रहा है, इससे ये पता चलता है। ठीक है, ये हो गया अपना, ये डेटा हो गया टोटल। तो हमारा टोटल सेल्स हुआ 8 करोड़ का, प्रॉफिट 2 करोड़ का कुछ का हुआ है, और कमीशन हमने भी दिया है 8 लाख कुछ का। ये डेटा है मेरा। अब इसमें कुछ नया कुछ करना चाहोगे आप बताओ मुझे, एक मैं देख लूँ। हमने जब तक जो भी मेन्यू पड़ा उसमें कुछ ऐसा जो मैं उसमें करवा सकूँ, अलाइनमेंट ये वो मर्जर रैप टेक्स्ट करेंसी, हम करेंसी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल सेल्स में हम आगे चाहे तो यहाँ पे रुपीज का, अब हम रुपीज का साइन लगा सकते हैं, रुपीज कहाँ गया, रुपीज रुपीज का साइन लगा सकते हैं। साथ में हम कमीशन एजेंट कुछ है नहीं खास, और क्या है पॉइंट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट सेल, ये सब बेकार है। तो बेसिकली ये डेटा बन गया एम्प्लॉय का। आई होप समझ में आया होगा आपको, इफेक्टिव लगा होगा आज का। हम कल अटेंडेंस शीट की बात करेंगे, अटेंडेंस कैसे मार्क होता है, सैलरी कैसे पे होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। प्रॉफिट परसेंट हो गया, एक मिनट देख लो मैं कुछ और बता सकता हूँ कुछ नहीं तो। हालांकि ये डेटा फ्यूचर में, फ्यूचर क्लास में जरूर इस्तेमाल करूंगा, करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना डेटा बनाने के बाद इस्तेमाल ना किया जाए तो बेकार होता है। ओके, थैंक यू एंड बाय। आज का लेक्चर यहीं रखते हैं।